दोस्तों पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है ये, सेमलेस वनीला। ओहो हो, जब ये आइसक्रीम वाले इतने सेमलेस हो सकते हैं दोस्तों, तो सेमलेस तो हम भी कम नहीं है। हम भी इनके डब्बों को फेंकने वाले नहीं है और उसको गार्डन में सजा देंगे उसका रूप बदल कर। जी हाँ, अगर आप बेशरम हो तो अपने गार्डन के लिए हम भी बेशरम हो सकते हैं। दोस्तों आपने सुना तो होगा ही, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो दोस्तों आज कुछ ऐसा ही काम हम करने जा रहे हैं, कहीं का डब्बा, कहीं का स्टैंड, कहीं का ढक्कन, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। तो हम भी दोस्तों कुनबा जोड़ेंगे अपने गार्डन के लिए और बनाएंगे सुंदर सुंदर प्लांटर। जी हाँ दोस्तों, मैं आरके आपके अपने अर्थनली चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम फिर कबाड़ी बन के आए हैं और फिर ढेर सा कबाड़ लेके आए हैं, लेकिन उस कबाड़ में से निकालेंगे क्या, निकालेंगे सोना अपने गार्डन के लिए। गार्डन को बनाएंगे खूबसूरत। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वनीला आइसक्रीम का कंटेनर है। अब इसको प्यारे से छोटे से प्लांटर में बदल देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये सामने किसी कंटेनर का ऊपर का पार्ट है जो हमने संभाल के रख लिया था। अब इससे बना देते हैं इसका नीचे का स्टैंड। दोस्तों किस्मत की बात है, जब आप संभाल के रखते हैं ना कबाड़ को, तो किसी में कुछ भी फिट हो सकता है, तो उसको संभाल के रखिए। देखिए नीचे वाला पार्ट हमने, ये ऊपर का टॉप का पार्ट है जो किसी कंटेनर का रखा था, इसका स्टैंड बन गया। अब दोस्तों इसमें वो सिंपल सा डिज़ाइन बनाते हैं अपने पेंट से, जिसको हर कोई बना ले। जी हाँ, आप भी बना लो, आपके वो भी बना लें और बच्चे भी बना सकते हैं अगर थोड़े बड़े हो गए तो। छोटे बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, बट थोड़े संभल गए हैं तो उनसे भी बनवाइए। अब देखिए दोस्तों, ये एक और कंटेनर लिया है, बिल्कुल वेस्ट पड़ा था, कबाड़ में पड़ा था। सबसे पहले नीचे इसे मैं एक कटिंग कर लेता हूँ करीब 1 इंच की, क्योंकि मैंने इसमें जो फिट करना है, जो लगाना है, वो कहीं का रोड़ा लगाना है। ये देखिए इतना काट दिया हमने। अब देखिए इसमें क्या लगाने जा रहे दोस्तों, ये देखिए, ये दोस्तों जो 5 लीटर पानी की बोतल आती है जो बैटरी में डालते हैं, उसका टॉप पार्ट है, ये भी काट के संभाल के रख लिया था हमने। अब देखिए नीचे फिट कर दिया, नीचे इसका जो ढक्कन होता है, कैप होता है, उसको कैप के रूप में लगा दिया। और ये देखिए कहीं की ईंट, मतलब ये दूसरा जो नीचे वाला कंटेनर है, इसको इसमें टाइट कर दिया, बन गया ना प्यारा सा प्लांटर, सुंदर सा प्लांटर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको करना क्या है इसके लिए, आपको करना ये है, हर चीज़ को संभाल के रखिए। और उसके लिए या तो एक कोई बैग रख लीजिए, उसमें रख दीजिए, या फिर आपके पास कोई स्पेस है तो वहाँ पर इकट्ठा करता रहिए। दोस्तों काम जरूर आती है, कबाड़ को कबाड़ मत समझो, तभी तो किसी ने कहा ना, कबाड़ से जुगाड़। जी हाँ, ऐसे तो जुगाड़ होते हैं। अब दोस्तों ड्राइंग नहीं आती तो क्या हुआ, पछताना नहीं है भाई, इस पर सीधे सीधे लाइन खींच दो यार, इसमें क्या है, इसमें कौन सी ड्राइंग सीख के आनी है। अरे सीधी सीधी लाइन में क्या रखा है भाई, कोई भी खींच देगा। और देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है, उसमें ऑलरेडी वो डिज़ाइन बना हुआ है, तो उसमें खाली हमने ब्रश चलाई है, तो कोई भी कलाकारी नहीं है, बस थोड़ा सा सुंदर बना दिया है। जैसे हम नहा धो के थोड़ा सा अपने आप को बाल बाल भागे सेट हो जाते हैं, ऐसे ही इसको सेट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों कितना प्यारा प्लांटर लग रहा है, और छोटा सा इसमें हमने लगा दिया स्नेक प्लांट। अब देखिए दोस्तों और भी खूबसूरत हो गया है। तो दोस्तों है ना आपके गार्डन को सजाने वाली चीज़, तो दोस्तों अच्छा रहा ना। तो इस तरह बनाते रहिए और गार्डन को सजाते रहिए। अब देखिए ये कॉफ़ी का ढक्कन, ये कंटेनर फूड कंटेनर जो ऑनलाइन मंगाते हैं, और ये भी फूड कंटेनर जो ऑनलाइन मंगाते हैं, हो गया ना कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। अब देखिए इनको आपस में हमने लिंक कर दिया, कॉफ़ी के ढक्कन को उसमें नीचे जोड़ दिया है हमने तार की हेल्प से। जी हाँ, तार लगा के होल करके उसको जोड़ दिया, और नीचे वाले पार्ट को बना दिया स्टैंड। देखिए कैसे जुगाड़ किया दोस्तों, कॉफ़ी का ढक्कन बीच में, नीचे अलग कंटेनर, ऊपर अलग कंटेनर, फिर वही अगेन सिंपल सा डिज़ाइन, सिंपल से प्लास्टिक पेंट से, जिसमें खर्चा आता है मिनिमम, बहुत कम खर्चा आता है दोस्तों, हार्डली इसमें 1.5 से 2 रुपए का पेंट लगा होगा। तो हम कहते हैं जी नहीं जी, खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे सजा के तो देखिए यार, करके तो देखिए, कुछ भी खर्चा नहीं होता है। अरे इतना खर्चा तो भाई, हम अगर थोड़ी देर के लिए बाज़ार निकल जाते हैं तो इससे 20 गुना खर्चा कर देते हैं बेकार ही चीज़ों पे। तो अपना गार्डन जब सजता है ना दोस्तों, तो समझ लीजिए हम भी सज गए। जी हाँ, देखिए
कितना शानदार प्लांटर बन के निकल गया वो, अलग अलग पार्ट से अलग अलग जगह से पिक किए हुए। अब देखिए ये मेरे पास एक दही हांडी पड़ी है दोस्तों, मेरा एक छोटा प्लांटर है जिसमें एक प्लांट लगा हुआ है जिसको मैंने शिफ्ट करना है थोड़े बड़े प्लांटर में, तो उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब देखिए मैंने इसको कट कर दिया नीचे वाले पार्ट को और ढक्कन को इसमें लगा रहने देते हैं, ढक्कन को बना देते हैं बॉटम, नीचे वाले पार्ट को काट के उसका स्टैंड बनाएंगे और उधर ओपन हो गया। तो इससे मेरे कंटेनर का जो साइज़ है, जो प्लांटर का साइज़ है थोड़ा बढ़ गया, ज़्यादा सॉइल आएगी और जो मेरा प्लांट है ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो देखिए हमने इसमें पेंट करना शुरू कर दिया, अगेन वही प्लास्टिक पेंट, वही बिल्कुल केमिकल रहित शुद्ध आपको नुकसान ना करने वाला पेंट, जेब पर भारी ना पड़ने वाला पेंट, कलर कोई भी कर दो। जैसे देखिए इस पे हो रहा है, आप पीला कीजिए, लाल कीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, किसी तरह का कंट्रास्ट बनाइए, किसी तरह का कम्बिनेशन बनाइए, जी हाँ जो आपको पसंद है, जो आपके गार्डन में सूट करता है, जो आपको सूट करता है वो कलर कीजिए दोस्तों, तभी तो अपनी तबीयत खुश होने वाली है ना। अरे यार दूसरों की सलाह मानेंगे ठीक है, कभी कभी अपने मन की भी करेंगे, अपनी मन की भी करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस प्लांटर को भी हम बनाने वाले हैं काफ़ी सुंदर प्लांटर, जो आपके गार्डन की सुंदरता तो बढ़ाएगा ही बढ़ेगा, साथ में आप में एक नया कॉन्फिडेंस भी जगाएगा अगर आप इसको बनाते हैं। दोस्तों कोई पैसा नहीं लग रहा, मुफ्त का माल है, मुफ्त में बन रहा है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, दो दो रुपये का पेंट हो रहा है यार, कोई भी कर लेगा। आजकल तो किसी को दो रुपये देते हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसको देते हो, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो भी खुश नहीं होता दो रुपये में। तो दोस्तों अगर हम अपने प्लांटर पे दो से तीन रुपये का पेंट लगाते हैं और गार्डन को सजाते हैं, और जब प्लांटर लगता है देखने में 500 का और खर्चा होता है 10 रुपये, तो क्या बुराई है इसमें। तो बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा लो और गार्डन को सजा लो। अब देखिए दोस्तों इस पर भी हमने कोई खास डिज़ाइन नहीं चुना है, सिंपल इस पर लाइनिंग कर रहे हैं बस, ताकि कोई भी कर ले, ताकि मेरे व्यूवर्स को, मेरे फॉलोअर्स को किसी तरह की परेशानी ना हो, आराम से डिज़ाइन बना लें, कोई टेंशन ना पालें। ये देखिए सीधी सीधी लाइन खींच दी जाए, और यार आप में तो काफ़ी ऐसे कलाकार भी होंगे जो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो सुंदर डिज़ाइन बना लें, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं जिन्होंने कभी नहीं बनाया, तो वो इस तरह से शुरुआत कर लें, या इससे भी आसान शुरुआत कर सकते हैं, खाली बेसिक पेंट करके बॉटम में अलग पेंट कर दें, टॉप में अलग पेंट कर दें, वो भी प्लांटर शानदार बन जाते हैं और स्टेडिली आगे बढ़ें। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा सा कंटेनर ये हमने कन्वर्ट कर दिया है प्यारे से प्लांटर के अंदर। और दोस्तों इसमें आप मीडियम साइज़ प्लांट कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, इसमें आपका जो प्लांट है 2 से 2.5 साल तक का प्लांट मीडियम साइज़ का अच्छा ग्रो करेगा और ज़्यादा सोइल भी नहीं आएगी। दोस्तों हमारा जो हमारा ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि जब अपने टेरेस गार्डन पे लाइट वेट प्लांटर रखें, उसके लिए प्लास्टिक के प्लांटर काफ़ी अच्छा सूट करते हैं, लाइट वेट प्लांटर, और अगर आप उसको शैमी शेड में रखते हैं तो कोई किसी तरह का नुकसान ही नहीं है। और प्लास्टिक के प्लांटर में आपने देखा होगा जो गार्डनिंग करते हैं कि इसमें प्लांट अच्छी तरह ग्रो हो जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो टेरेस गार्डन पे वेट नहीं आता, हार्डली इनका 50 से 100 ग्राम 150 ग्राम वेट होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप दूसरे प्लांटर लाते हो, मिट्टी के प्लांटर लगाते हो, सीमेंट के लगाते हो, तो दोस्तों उनका अकेले का वेट इतना होता है कि उनको उठा के इधर से उधर रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने टेरेस गार्डन पे लाइट वेट प्लांटर यूज़ कीजिए, ताकि हमारे टेरेस गार्डन पे किसी तरह का एक्स्ट्रा वेट ना आए। हाँ इसमें सॉइल को भी जब बनाए तब भी ध्यान रखिए, सॉइल को भी लाइट वेट बनाने की कोशिश कीजिए, उसमें ऐसे ऐसे कंटेंट मिलाइए जैसे कि कोको पीट वगैरह लीव्स मिला दीजिए, जिसमें आपके गार्डन के लीव्स होते हैं सूखे पत्ते वो मिला दीजिए, तो उससे आपका प्लांटर लाइट वेट बन सकता है। अब दोस्तों देखिए अगेन वही सिंपल डिज़ाइनिंग, कहीं गोला बना दिया, कहीं लाइन बना दी, कुछ भी बना दो आपके जो मन में है भाई, रास्ते है ना ज़िंदगी में आसान चुनो, कोई भी आपने काम करना, अरे देखो आसानी से कैसे हो सकता है, ज़िंदगी में टेंशनें और भी बहुत हैं यार, नई नई टेंशन पाल के क्या लेना, इसमें तो एंजॉय करना है, गार्डन को बढ़ाना है, गार्डन को सजाना है, गार्डन को एकदम अप टू डेट करना है, और उसके लिए आप मनचाहा डिज़ाइन बनाइए, आसान से आसान डिज़ाइन बनाइए, और कुछ कर सकते हैं तो थोड़ा मुश्किल भी बना लीजिए, बट टेंशन मत पालिए, टेंशन फ्री होके कीजिए जो भी करना है। तो दोस्तों आज की मेरी बकबक आपको कैसी लगी, और जो मैंने प्लांटर बनाया वो आपको पसंद आए कि नहीं आए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी कमेंट की भूख तो कभी मिटती ही नहीं है।
और जब आपके कमेंट के जवाब देता हूँ तो दोस्तों एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो दोस्तों बक बक मैं बहुत करता हूँ, आपको झेलना पड़ता है, उसके लिए वेरी सॉरी। लेकिन दोस्तों मैं आता ज़रूर रहूँगा, आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता ज़रूर रहूँगा। और दोस्तों मेरे को कमेंट भी आप ज़रूर करते रहना। तो दोस्तों आज मुझे बस यहीं पे आगे दीजिए, फिर मिलेंगे एक अगली जानकारी के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।